हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले बजाज पल्सर RS125 को लेकर। गाइस, आप लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट आ रही थी, मैंने देखा है भाई, दो तीन कमेंट आप लोगों के आ रहे थे कि भाई एक बार RS125 पे वीडियो बनाओ कि RS125 कब तक इंडियन मार्केट में आ सकती है, और अगर आएगी तो कब तक आएगी, नहीं आएगी तो क्यों नहीं आएगी, और भाई आने की क्या क्या चांसेस है, क्या स्पेसिफिकेशन हो सकता है, उसके बारे में भी आप लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट आ रही थी। यहाँ पे दोस्तों, जहाँ तक मुझे पता है, मिडिल क्लास यूट्यूबर करके हमारे भाई है, जिनका मुझे कमेंट आया था कि भाई RS पल्सर 125 सीसी में कब आएगी, तो उसको लेकर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई आप लोग भी कमेंट कर सकते हो, आप लोगों के कमेंट में भी आपका भाई वीडियो बनाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं अपकमिंग RS125 के बारे में। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन को ऑन करना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन में आप तक पहुँचते रह सके ना, आप तेरे वीडियो से अपडेट रह सकें। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं RS125 इंडियन मार्केट में आएगी या नहीं आएगी, अगर आएगी तो कब तक आ सकती है और आने के क्या चांसेस है। पहले तो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, अभी इंडियन मार्केट में 125 का जो मार्केट है काफ़ी बड़ा होते जा रहा है, ठीक है। लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि 125 ऐसी है दोस्तों कि एकदम परफेक्ट बाइक है। इसमें आपको पावर भी इनफ मिल जाएगा, आपको बाइक में लुक भी मिल जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बाइक में माइलेज मिलता है, और बाइक काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होती है, अंडर बजट होती है, इसलिए लोग 125 को काफ़ी पसंद करें। और इंडियन मार्केट में आप लोग देख पा रहे हैं अभी 125 का जो बाइक्स है वो काफ़ी ज़्यादा बिक रहा है, क्यों, इसी वजह से। तो इसलिए दोस्तों हर ब्रांड अपनी 125 बाइक में काम कर रहा है, लेकिन बजाज की दोस्तों पहले से ही दो तीन 125 बाइक इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। जैसे आपको बजाज की पल्सर 125 मिल जाती है, बजाज की आपको NS125 मिलती है, तो ऑलरेडी अगर अवेलेबल है तो क्या चांस है, तो इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। RS125 इंडियन मार्केट में आ सकती है, ये बात मैं तब से बोल रहा हूँ जब से NS125 आई थी, लेकिन कब आएगी, क्या आएगा, इसका कन्फर्म न्यूज़ नहीं है। लेकिन दोस्तों कुछ न्यूज़ और प्राइस निकल कर आ रही है, वो आज की इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्पेसिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, इंजन टाइप में इस बाइक में आपको 124.45 सीसी का इंजन एयरकूल्ड 4:2 वोल्वो SOC सिंगल सिलेंडर इंजन आपको बाइक में मिलेगा। आपको क्लियर करना चाहूँगा, इसमें वही इंजन मिलने वाला है जो कि आपको NS125 में मिलता है। फ्यूल इंजेक्टर इंजन रहेगा, एयरकूल्ड रहेगा, 125 सीसी का इंजन, से मैं आपको बताया 124.45 सीसी। मैक्सिमम पावर में 12 PS के आसपास का पावर मिल सकता है, और मैक्सिमम टॉर्क में 11 का इंटरमीटेंट टॉर्क आपको बाइक में देखने को मिल जाएगा। नंबर ऑफ 5 स्पीड गियरबॉक्स आपको बाइक में देखने को मिल सकते हैं। साथ में दोस्तों बाइक में आपको 54 mm की बोर एंड 58.8 mm के आसपास की स्ट्रोक देखने को मिल सकती है, तो यानी कि पावर आपको काफ़ी अच्छा दिया जाएगा। माइलेज आपको बाइक में बहुत ही अच्छा मिलेगा, 50 से 55 के आसपास का जो माइलेज है वो आपको बाइक में मिल सकता है, और लगभग दोस्तों 115 किलोमीटर पर आवर के आसपास की टॉप स्पीड आपको बाइक में देखने को मिल सकती है। बात करें दोस्तों बाइक के स्पीडोमीटर के बारे में, तो स्पीडोमीटर आपको 110% वही मिलने वाला है जो कि आपको NS125 में देखने को मिलता है। जी हाँ, सेम आपको मिलेगा जो कि आपको लगभग बजाज की बहुत सारी बाइक में मिलता है, NS RS 160 200 में लगभग सेम आपको मीटर देखने को मिल जाता है। दोस्तों वहीं आपको बताना चाहूंगा इसके लाइट्स के बारे में। अब दोस्तों इलेक्ट्रिकल्स को लेकर एक कंफ्यूजन जरूर है कि भाई क्या इसमें प्रोजेक्टर लाइट होगा, तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि RS125 ऑब्वियस सी बात है अपने बड़े भाई RS200 से इंस्पायर्ड होगी, तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों इसमें आप लोगों को सेम वही देखने को मिलेगा जो कि आप लोगों को RS में मिलता है। तो यहां पे आपको डुअल प्रोजेक्टर लाइट देखने को मिलेगी, लेकिन ध्यान रखिए RS200 में आप दोनों प्रोजेक्टर लाइट को एक साथ में ऑन कर सकते हैं, लेकिन 125 में ऑन नहीं कर पाएंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सस्पेंशन सेम मिलेंगे, फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा, रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल सकता है। बात करें टायर्स के बारे में, तो टायर्स में आपको NS125 वाले टायर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ब्रेकिंग के बारे में बात करें दोस्तों, तो आपको बाइक में सिंगल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिल सकता है, इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। फ्रंट में लगभग 240 mm के आसपास की प्लेट रहेगी, रियर में ड्रम ब्रेक रहेगा, फ्रंट में 1800 का टायर है, रियर में आपको 190 के आसपास का जो टायर है वो बाइक में देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बाइक की लॉन्च डेट के बारे में और प्राइस के बारे में। देखिए, लॉन्च डेट अभी तक तो इंडियन मार्केट में ऑफिशियल नहीं आई है, फिर भी लॉन्च डेट के बारे में बात करें दोस्तों, ये बाइक आपको इंडियन मार्केट में, जी हाँ इंडियन मार्केट में, लगभग मेरे हिसाब से अगर मुझसे पूछोगे तो 3 से 4 महीने के अंदर शायद आपको देखने को मिल सकती है, मतलब मई महीने तक आपको RS125 इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकती है। और अगर बात करें प्राइस के बारे में, तो लगभग 1,10,000 रुपीज़, 1,10,000 रुपये के आसपास की एक्स शोरूम, मतलब 1,30,000 से 1,35,000 रुपये के आसपास की आपको
ये बाइक ऑन रोड प्राइस देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों देखते हैं कब आ रहे साथी। वैसे तो मैं इस बाइक का काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहा हूँ। सो उम्मीद करते हैं आप लोगों को छोटी सी वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रह सके ना आप मेरे अपडेट रह सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।